में जाके कर, यहां क्या पुत्र मजा आएगा ईद का। तो फरमाते वो बच्चा मुझे आगे से जवाब क्या देता है, अम्मी ने कहा था वो ईद मदरसे में करना, चल तू भी को बोटी खा ही लेगा। अल्लाह, चल ईद मदरसे च करी तू भी को बोटी खा ही लेगा। भाजी माड़े नु किन्ने बोटी भेजनी जे, बोटी तो जानी ओनू जिदे नाल मैनू को काम है, बोटी तो जानी उ जिथे मेरा आर्डर फसया दा, बोटी तो जानी है वहां जहां से मैंने कोई काम करवाना है, माड़े से मुझे क्या काम, वो मेरे किस काम आएगा। हजरत हाँ हजरत, माड़े से भी तुझे काम पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा आगे जाके। ये माड़ा वही है जिसके लिए रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के गरीब मेरी उम्मत के अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। और हकीम साहब क्या करते थे, बाबा ऐसे जरूर किसे माड़े का आसरा बनी, हो सकता कल तेरी भी उंगल फड़ के नाल ले जो। ध्यान करना हजरत, हम सबको पता है मेरे मोहल्ले में कितने घर हैं, इसके कितने जी हैं, समझ नहीं आती हजरत लोग करते क्या हैं। नहीं, कोई ये फलसफा नहीं है, और ना ये नबी अलैहिस्सलाम ना आपके सिहाब और ना हमारे इस्लाफ का ये तरीका रहा है। नहीं, देखो यार गोश्त भेज किधे कार चल रहा है, फलाने कार उठे तो 15-16 जी रहते ने बीबी, खुदा का खौफ का है कि चार बोटियां लैके चली बता, चल उन्होंने एक टाइम का डंग बनेगा। बड़ा ध्यान करो कुर्बानी की मफहूम को समझो, कुर्बानी करनी है दिल नहीं जलाना। अच्छा फिर एक और शैतान, ये शैतान है ये पता नहीं, चार बोटियां देने वालों का फलसफा, नहीं जी मल्ले जी कि नहीं, ओ भाई उन्हें तेन दसिया आके कि मैं भी भेजना है, हो सकता है वो भेजे ही ना उस घर, तू इस आस पे वहां चार बोटियां भेज रहा है, नहीं उन्हें भी तो कुर्बानी की थी, उन्हें भी तो भेजना है, अगर उसने ना भेजा तो फिर क्या करेगा तू। नहीं कुर्बानी करो, समझो कुर्बानी के मफहूम, फलसफा समझो कुर्बानी का, और करके देखना हजरत, फिर देखो कैसा दिल में सुकून।